नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल साकल आपका फिर से यूटर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और यहां पर जो 15 सवाल देखने वाले हैं, जिसमें पहला जो सवाल है वो इक्वेलिटी एंड इनइक्वेलिटी का है। तो दोस्तों, इसमें 5 सवाल आपको दिए हुए हैं और इन 5 सवालों में आपके सामने 5 विकल्प यहां पर है। दोस्तों, आपका पहला विकल्प जो है वो ये लिखा हुआ है कि यदि पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन यदि फॉलो नहीं करता है तो ए लगाएं। दोस्तों, यदि आपका केवल पहला ही जो है कंक्लूजन फॉलो करता है तो आप बी विकल्प लगाएं, यदि दोनों फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको सी लगाना है, केवल दूसरा ही फॉलो करता है तो आप डी लगाएं, और यदि इन दोनों में आइदर और का केस हो, यदि एलिमेंट सेम हो और जो सिचुएशन वहां पर चाहिए आइदर और के लिए यदि वो फॉलो करती हैं तो आप ई विकल्प लगाएंगे। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने जो लिखा हुआ है उसमें स्टेटमेंट ये है कि क्यू जो है वाई से बड़ा है, वाई यू से छोटा है और यू जो है आर के इक्वल है, और ये जितना भी यहां पर अलग अलग सिंबल है क्यू से बी तक, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पहला निष्कर्ष आपका वाई से डब्ल्यू तक का है। तो दोस्तों, वाई यहां पर है और डब्ल्यू यहां पर है, तो यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे तो पहला तो आपका वाई से यू लिखा हुआ है, फिर यू से आर है दोस्तों, और आर से टी एंड टी से डब्ल्यू। दोस्तों, वाई से डब्ल्यू में जब आप ध्यान से देखोगे तो पहला सिंबल पीछे की तरफ देख रहा है और यहां पर तीसरा सिंबल जो है वो उसका चेहरा फॉरवर्ड है आगे की तरफ। जब स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच में इधर और उधर साइन के मुंह आ जाते हैं, सभी सिंबल्स के मुंह एक तरफ नहीं होते हैं तो ये नॉन स्टैंडर्ड होता है, और जब नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है तो उसमें निकाला हुआ हर एक रिजल्ट जो है वो अनसर्टेन होता है। दोस्तों, तो पहला जो यहां पर कंक्लूजन है वो अनसर्टेन है, इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड यहां पर लिखा है बी से आर। दोस्तों, यहां पर आर है और यहां पर बी है, तो इसको बी से आर है ना, तो इसको आप पहले चेंज कर लो और आर आगे लिख लो, बी पीछे। अब ये आर की तरफ ये ऐसा है तो ये आर की तरफ, इसका मतलब दोस्तों सेकंड में जो ये लिखा था बी इज स्मॉलर देन आर, तो मैंने लिख दिया आर इज ग्रेटर देन बी, तो ये एक ही बात है क्योंकि यहां पे आर से बी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जब आर से बी में यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये आपको मिलेगा जो कि मैंने यहां पर निशान लगा रखा है। तो दोस्तों, यहां पर जितने भी साइन आए हैं सबका मुंह एक तरफ, तो स्टेटमेंट स्टैंडर्ड हो गया दोस्तों, और जब स्टेटमेंट स्टैंडर्ड होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है, इसका मतलब आर जो है वो बी से बड़ा ही होगा, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, एंड यहां पर वही लिखा हुआ है कि आर इज ग्रेटर देन बी, तो इसमें सेकंड कंक्लूजन जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों, तो पहले में आंसर होगा कि ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों कि x से लगा के i तक में एक स्टेटमेंट है। अब यहां पर n z है और z n है, तो दोस्तों n से z तक जब आप देखोगे तो स्टेटमेंट स्टैंडर्ड भी है और बीच में केवल m आया है। दोस्तों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो n इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू z, n जो है z से या तो छोटा या बराबर होगा। यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको बिल्कुल सही कर दें, नहीं तो आपने खुद ने बोला दोस्तों कि n इज ऑलवेज स्मॉलर देन, या तो n छोटा होगा z से या n इज इक्वल टू z, n z के बराबर होगा। तो दोस्तों, यहां पर दोनों मिल गए, n यदि z से छोटा हुआ तो ये सही होगा और ये गलत, n यदि z के बराबर हुआ तो ये सही होगा और ये गलत। इसका मतलब अभी तो ये दोनों अनसर्टेन है, लेकिन ये दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसका मतलब यहां पर एन और जेड में इन दोनों में आइदर और का केस बनेगा, इसका मतलब इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा दोस्तों, या तो पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो दोस्तों, सेकंड में आइदर और का केस आंसर लगाए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में यू और वी के बीच में रिजल्ट निकालना है।
दोस्तों यू यहां पर है और वी यहां पर, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो स्टैंडर्ड है, क्योंकि जितने भी सिंबल्स आए सबका मुंह एक तरफ पीछे की ओर है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर जो है इस दोनों साइन में से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। स्टेटमेंट स्टैंडर्ड होता है तो प्रायोरिटी वाइज काम करते हैं, तो यू और वी में ये वाला साइन आपका आएगा। इसका मतलब यू इज ऑलवेज स्मॉलर देन वी, और ये वहीं पे लिखा हुआ है तो ये डेफिनेट राइट हो गया, पहला फॉलो करेगा। अब सेकंड देखते हैं दोस्तों, सेकंड में लिखा है टी ओ। दोस्तों टी यहां पर है और ओ यहां पर है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ऐसा रिजल्ट आएगा टी और ओ में जिसमें सभी का मुंह आगे, तो इसमें बार बार ये साइन आया है तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो टी जो है वो ओ से बड़ा ही होगा। अब इसने बोला या तो बड़ा या बराबर, दोस्तों बराबर तो हो ही नहीं सकता इसलिए इसको गलत करेंगे। अब आप बोलेंगे सर इसकी वजह से तो ये अनसर्टेन होना चाहिए। अरे यदि इसको अनसर्टेन किया तो ये भी होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी इक्वल, तो इसकी वजह से आपको गलत करना पड़ेगा दोस्तों। तो तीसरे में जो आंसर आया है उसमें फिर से आया है कि केवल जो है पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब देखते हैं दोस्तों दो सवाल और। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा यहां पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट गिवन है आपको टी और एच में रिजल्ट निकालना है। जब आप टी से एच तक देखोगे तो यहां पर जितने भी सिंबल्स आए टी से यू के बीच में पीछे की तरफ मुंह है और आई से एन में आगे की तरफ ऐसे, देन ये इधर उधर के मुंह आगे है, इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड है दोस्तों। और जब नॉन स्टैंडर्ड होता है तो जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा अनसर्टेन होता है। तो पहला जो है रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड आपको आई से ई में रिजल्ट निकालना है, लेकिन आई से ई में स्टेटमेंट स्टैंडर्ड तो है, जितने भी यहां पर सिंबल्स आए सभी का मुंह यहां पर आगे तो है दोस्तों। लेकिन एक बात बता दूं, यहां पर बार बार जो साइन आए हैं ये दोनों आए, इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी। इसका मतलब आई जो है वो ई से हमेशा बड़ा ही होगा। अब इसने बोला बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता है, अरे नहीं दोस्तों आई और ई में आई हमेशा ई से बड़ा ही होगा। अब इसको अनसर्टेन किया तो इक्वल भी हो जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल गलत करना पड़ेगा। देन चौथे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर से इसका आंसर नीदर नॉट पे चला जाएगा, मतलब कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवा यहां पर लिखा है एम और वाई के बीच में, तो पहले तो मैं बता दूं कि ये वाई और एम लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं दोस्तों पहले वाई और एम में निकाल दो फिर आप उल्टा कर देना। तो वाई और एम में स्टेटमेंट जो है ये आगे की तरफ है, जितने भी सिंबल्स हैं तो ये स्टेटमेंट आगे की तरफ यहां पे सिंबल्स को लेके आया है, इसका मतलब स्टेटमेंट स्टैंडर्ड हुआ। तो इन तीनों में फर्स्ट प्रायोरिटी जो लगेगी दोस्तों उसमें ये वाली लगेगी, इसका मतलब वाई जो है वो एम से हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहां पर y m से बड़ा होना चाहिए, मतलब y की तरफ दोनों अंगुलियां होनी चाहिए और यहां पर y की तरफ ही है, इसका मतलब आपका पहला सही होगा दोस्तों। अब सेकंड देखते हैं d से m में। दोस्तों d से m में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि m तो छोटा ही होगा, m छोटा होगा d से, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि d बड़ा होगा m से, then D is always greater than M, और यहां पर मिल गया, इसका मतलब इसमें दोनों सही हो गए दोस्तों। तो पांचवे में दोनों कंक्लूजन जो है निष्कर्ष ये फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे दोस्तों। इन पांच सवालों के बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। दोस्तों आगे के जो तीन सवाल यहां पर लिखे हुए हैं इसमें फैमिली चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सवाल रिश्तों का है दोस्तों। यहां पर लिखा हुआ है कि एक तीन पीढ़ी वाले परिवार में आठ सदस्य हैं, तो दोस्तों यहां पर आठों सदस्यों के नाम आपके सामने दे रखे हैं। दोस्तों तीन पीढ़ी है, इसका मतलब दादा दादी की होगी, अपनी खुद की और बेटा बेटी की होगी। दोस्तों यहां पर तीन जनरेशन के अलावा कोई चौथी जनरेशन इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आठ यहां पर सदस्य दे रखे हैं और आठों सदस्यों का यहां पर नाम भी आपको दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एम क्यू की पुत्र वधू है। दोस्तों पुत्र वधू का मतलब होता है उसके बेटे की पत्नी है। दोस्तों एम अगर क्यू के बेटे की पत्नी है तो फिर क्यू का बेटा कौन है, तो यहां पर बताया नहीं। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा हिंट यहां पर लिख लेते हैं,
एम जो है यहाँ पर पुत्र वधु है, तो एम फीमेल हुई दोस्तों, और ये क्यू की पुत्र वधु है, इसका मतलब क्यू के बेटे की पत्नी है, तो क्यू यहाँ पर लिखता हूं, और इसका यहाँ पर बेटा यहाँ पर बनाया दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है तो बॉक्स बना लिया है, और ये उसकी पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए डबल लाइन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो एम जो है क्यू के बेटे की पत्नी है, इसका मतलब एम क्यू की पुत्र वधु है दोस्तों, इसको पुत्र वधु को अपन बहू भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे इसने बोला कि के जो है जे का नेफ्यू है, दोस्तों यहां पर एम क्यू की बात हुई, यहां पर के जे की बात हुई, तो अभी कोई फिक्स पॉइंट नहीं आया, तो आप एक काम करो आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है कि एल जे की माता है दोस्तों, अगर एल जे की माता है तो एल फीमेल होगी, एल यहां पर ऊपर आएगी, जे की माता है इसका मतलब जे जो है उसका बेटा या बेटी होगी, अभी जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसने यहां पर बोला और आया है एल के लिए, एल जे की माता है और उसके जो है दो संतान है, इसका मतलब एल के दो यहां पर संतान है, जिसमें से एक संतान जे है और एक उसका भाई और बहन कुछ और यहां पर आएगा दोस्तों, तो ये एल जे की माता होगी और एल की यहां पर दो संतान होगी दोस्तों, और ये वाला जो पॉइंट है आपका खत्म हो गया दोस्तों। आगे इसने बोला था कि के जो है जे का नेफ्यू है, जब इसकी दो ही संतान है एल की और के जे क्यू नेफ्यू है, तो दोस्तों के जो है जे का भाई या फिर बहन की संतान है, इसका मतलब इसकी दो संतान है तो दूसरा भाई या बहन यही होगा जे का, के जे का नेफ्यू तभी होगा जब जे के भाई या बहन का के जो है बेटा होगा दोस्तों, तो यहां पर के यहीं पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंफर्म हो गया दोस्तों, और ये पॉइंट सेट हो गया। अभी एम और क्यू की यहां पर बात नहीं हुई तो इसको मैंने नहीं बनाया है। एन जो है एल की ग्रैंड डॉटर है दोस्तों, इसका मतलब एन एल के बेटे की बेटी है या फिर बेटी की बेटी, या तो वहां पर उसकी दोहती है या फिर पोती है दोस्तों। एन एल की ग्रैंड डॉटर, आप ऐसे नहीं कि जे के नीचे नहीं इधर बता दो, क्या पता जे की भी शादी हो रखी हो, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका रह जाएगा, इसको अपन थोड़ी देर बाद में बनाएंगे दोस्तों। आगे लिखा जे एम का ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब जे ब्रदर इन लॉ है तो जे पुरुष हो गया, एम का ब्रदर इन लॉ है इसका मतलब एम की शादी होके उसके कोई ससुराल में जे है, इसका मतलब यहां पर जे आ रहा है, इसका मतलब एम की जो शादी हुई है वो जे के भाई के साथ ही हुई है, तो यहां पर कैसे पता चला जे के भाई के साथ, क्योंकि एम जो है पुत्र वधु है क्योंकि, तो एम फीमेल है, तो ये वाला पॉइंट अपन यहां पर ऐड करेंगे, तो यहां पर एम बना दिया दोस्तों, और एम पुरुष है तो इसमें फीमेल है, तो दोस्तों जे की एक बहन है, एल की दो संतान में जे की एक बहन है, और जे यहां पर एम की पत्नी का भाई, इसका तो साला हो गया, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, तो जे एम का ब्रदर इन लॉ हो चुका है, तो ये भी सेट हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, परिवार में दो विवाहित युगल है, मतलब दो मैरिड कपल है, तो एक एम की शादी का यहां पर कपल आ गया, एक और अभी आया नहीं है, तो उसको हम बाद में देखेंगे दोस्तों, लेकिन यहां पर ध्यान रखें आपने क्या बोला था कि एम क्यू की बहू है, इसका मतलब तो क्यू जो है उसका ससुर या यहां पर सास होगी, तो एम की ये पत्नी है, पत्नी की यहां पर माता तो आ चुकी है क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है और इसकी माता एल है, तो एम की यहां पर पत्नी की माता सास तो एल है, इसका मतलब एम का ये क्यू ससुर हुआ, तो इसका मतलब एल और क्यू की शादी हो रखी है दोस्तों, तो एल फीमेल है तो क्यू यहां पर पुरुष हो जाएगा, और यहां पर दो मैरिड कपल आ चुके हैं, मतलब परिवार में दो विवाहित युगल हैं, तो यहां पर क्यू एल और एक एम और उसकी शादी हो रखी है, देन यहां पर दो मैरिड कपल आ चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि यहां पर जो बोला था कि एन एल की ग्रैंड डॉटर है, तो यहां पर एन एल के यहां पर बेटी की ही संतान है, जे की नहीं है क्योंकि दो ही मैरिड कपल है, तो फिर एन जो है यहां पर एल की ग्रैंड डॉटर है, तो एन जो है यहां पर के की बहन होगी दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपका सेट हो गया। ओ एम का भाई है तो एम के साथ में लिखो, ओ एम का भाई है तो ओ पुरुष होगा, और ये दोनों ओ और एम आपस में भाई भाई हो गए। परिवार में तीन महिला सदस्य है
तो एक एन एम की पत्नी और एल तीन महिला सदस्य आगे तो सभी पुरुष आ गए, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ व्यक्ति सेट हो चुके हैं। एक व्यक्ति का नाम नहीं आया और वहां पे जब देखोगे तो वो पी होगा, तो एम की जो पत्नी है दोस्तों वो पी यहां पर होगी। तो ये जो है आपका फैमिली चार्ट बन चुका है। अब इस पर आधारित तीन सवाल अब आगे देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर बोला गया है कि जे एन से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों जे का एन से रिश्ता पूछा है, मतलब जे एन के क्या लगता है, तो आपको एन से रवाना होना पड़ेगा। जब एन से रवाना होंगे तो यहां पर एन और यहां पर जे है, तो दोस्तों यहां पर एन, तो एन ये दोनों आपस में भाई बहन है और भाई बहन के यहां पर ये पी माता है, तो एन से जब आप रवाना होंगे तो आपको मिलेगा, तो एन की ये जो पी माता है दोस्तों और माता का यहां पर भाई जे है। दोस्तों माता का जो भाई होता है वो मामा होता है और यहां पर कहीं मामा लिखा होगा लेकिन मामा नहीं है दोस्तों, तो आप अंकल भी लगा सकते हैं क्योंकि मामा को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल, तो यहां पर अंकल लगा देंगे। तो छठे का जो आंसर है दोस्तों वो आपका सी विकल्प होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर बोला कि ओ की यहां पर नीस कौन है। दोस्तों यहां पर नीस एक फीमेल होती है, तो ओ की नीस जो है यहां पर या तो उसका भाई या फिर उसकी बहन की यहां पर बेटी होगी, तो ओ यहां पर है, इसका भाई यहां पर एम है, एम और पी पति पत्नी है, तो दोस्तों ओ का भाई एम और एम की यहां पर दो संतान है के और एन। नीस यहां पर बोला इसका मतलब फीमेल होनी चाहिए, तो ओ यहां पर उसका भाई एम और उसकी जो बेटी एन हुई दोस्तों, तो भाई की बेटी जो है यहां पर भतीजी हुई और भतीजी को इंग्लिश में नीस बोलते हैं, तो यहां पर जो आंसर लगेगा वो सांचे का डी लगेगा दोस्तों। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। 8 में बोला पी का ब्रदर इन लॉ कौन है। दोस्तों ब्रदर इन लॉ का मतलब यहां पर साला भी होता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है, दोस्तों ब्रदर इन लॉ का मतलब देवर भी होता है और जेठ भी, जो यहां पर रिश्ता दिखेगा इन चारों में से उसको आंसर लगा देंगे। पी का ब्रदर इन लॉ कौन है। दोस्तों पी यहां पर है और उसका पति यहां पर एम है, तो पी का पति एम हुआ और एम का भाई ओ है, तो पति का भाई होता है दोस्तों जेठ या देवर, इसका मतलब ओ जो है उसका ब्रदर इन लॉ हुआ, तो इसमें बी विकल्प आपका लगेगा। तो 8वें में आपका आंसर जो है वो बी विकल्प है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, ये फोटोग्राफी का सवाल है और लिखा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुमित अपने इकलौते पुत्र से कहता है, तो यहां पर बात करने वाला सुमित और यहां पर उसका बेटा है लेकिन ये बात हो रही है एक महिला की, तो यहां पर सुमित जो है वो स्पीकर है बोलने वाला दोस्तों और यहां पर महिला है जिसकी तरफ यहां पर संकेत होगा। तो ध्यान रखें इसके आगे जो सेंटेंस यहां पर शुरू होगा इसमें सुमित स्पीकर है, तो मैं मेरा मेरी स्पीकर के लिए आता है दोस्तों, मैं मेरा और मेरी और बाकी जो भी होगा वह उसका उसकी वो महिला के लिए होगा दोस्तों। तो इसने बोला वह, वह मतलब महिला की बात हुई और इसने बोला मेरी माँ की पुत्रवधू की पुत्रवधू है, तो दोस्तों सुमित यहां पर इसकी माता जो है इसके ऊपर यहां पर बनाएंगे और बोला मेरी माता की पुत्रवधू। अब पुत्रवधू जो है इसकी माता की, हो सकता है सुमित की खुद की पत्नी हो या फिर उसके भाई की पत्नी हो, लेकिन जब आप देखेंगे आगे तो सुमित अपने माता पिता की इकलौती संतान भी है, तो उसने बोला सुमित ने कि मेरी माता की पुत्रवधू जब वो इकलौती संतान है, तो पुत्रवधू बोला तो वो सुमित की पत्नी के बारे में यहां पर बात हुई, तो सुमित ने बोला कि वो औरत जो है मेरी माता की पुत्रवधू यहां पर की पुत्रवधू है, इसका मतलब इसकी खुद के जो है बेटे की यहां पर पत्नी हुई है दोस्तों, यहां पर बात हुई। वो महिला जो है सुमित के यहां पर माता की जो पुत्रवधू मतलब सुमित की पत्नी है, अब सुमित की पत्नी की खुद की पुत्रवधू इसका मतलब सुमित के खुद के बेटे की यहां पर पत्नी हुई है, तो यहां पर उस महिला का नाम लिखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें यहां पर जो उसके सुमित अपने पुत्र को जो बता रहा है वो सुमित के पुत्र की खुद की पत्नी है, लेकिन इसने बोला वो महिला सुमित से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों महिला जो है सुमित के बेटे की पत्नी मतलब बहू
पुत्र वधु यहां पर आंसर लगेगा। तो दोस्तों नाइन्थ का जो आंसर होगा वो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन जो है ये भी फोटोग्राफी का सवाल है। यहां पर बोला है स्टेज पर एक पुरुष को दर्शाते हुए महिला ने कहा, इसका मतलब यहां पर जो स्पीकर है वो महिला है बोलने वाली। अब इसने क्या कहा, पुरुष के सामने पुरुष के बारे में बताते हुए ये बोला कि वह मतलब यहां पर पुरुष के लिए आया, इस पुरुष के बारे में बताया कि वह जो पुरुष है उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है। अब किस व्यक्ति का, इसका मतलब ऊपर जो एक व्यक्ति है इसका होगा ना। तो ये महिला उस पुरुष के बारे में बता रही है कि ये पुरुष उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब इसके बारे में बात होगी दोस्तों। ध्यान रखें इसने क्या बोला, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र जो तो जो आया है इसके लिए। तो यहां पर इसको कनेक्ट करेंगे और बोला मेरे पुत्र के दादा। तो दोस्तों महिला यहां पर इसका जो पुत्र होगा तो यहां पर बनाएंगे और इसके पुत्र के दादा, इसका मतलब उस पुत्र के जो पिताजी होंगे, जो महिला का पति उसका पिता है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट यहां पर जुड़ेगा दोस्तों कि मेरे पुत्र तो यहां पर का दादा पिताजी का पिताजी, तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति दोनों सेम है। इसका मतलब इसके नीचे जो पुरुष है ये ही यहां पर पुरुष होगा, क्योंकि वो पुरुष जो है उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र भी था। इसका मतलब महिला यहां पर स्पीकर है और पुरुष को जिसको स्टेज पर खड़े पुरुष को जो दर्शा रही है वो महिला का पति हुआ दोस्तों। तो इसमें इसने बोला कि स्टेज पर खड़ा पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पुरुष क्या लगता है। तो दोस्तों पुरुष जो है वो पति लगेगा, तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको हैश और एंड के यहां पर कौन सा साइन आएगा उसको बताना है। आपके पास में दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पहला और ये दूसरा जिसमें बीच में कॉमा आया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पी जो है वो बी से छोटा या बराबर ही होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम करें, दो स्टेटमेंट हैं, पी इसमें लिखा हुआ है बी इसमें, और इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कौन सा यहां पर पॉइंट बार बार आया, तो आप देखोगे तो यहां पर डब्ल्यू लिखा है। तो दोस्तों पहले आप एक काम करो, डब्ल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू क्यू लिख लें, आगे लिख लें हैश यहां पर बी। तो ये बी वाला पॉइंट हमने लिख लिया है डब्ल्यू से बी। अब यहां पर W से P है और W और P के बीच में क्या लिखा हुआ है, यहां पर एंड आया है। तो यहां पर ध्यान रखें ये तो आपने लिख लिया और यहां पर W एंड P भी है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका मतलब जब आप B से P जाओगे, आपको पढ़ने का तरीका बता रखा है, जब B से P जाओगे तो एक ओपन गेट होना चाहिए। तो दोस्तों B से पहले Q आओ, Q से W एंड W से P चले जाना। तो B से Q आने के लिए आपको रास्ता तो खोलना ही पड़ेगा। इसका मतलब हैश की जगह पहले हैश की जगह पर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब पहले हैश यहां पर है, ये वाला आएगा नहीं दोस्तों। आगे लिखा हुआ है यहां पर ये वाला साइन, ये वाला आएगा नहीं। तो इसका मतलब B या D में से कोई एक होगा दोस्तों। अब यहां पर बी विकल्प लग के देख लो, हैश की जगह पर यहां पर ये हो जाएगा और यहां पर लास्ट में ये बचेगा। तो एक बार चेक करते हैं ये आएगा कि नहीं। तो दोस्तों बी से पी जाना है, तो बी से पी जाना है तो सबसे पहले बी से क्यू आओ, क्यू से डब्ल्यू एंड डब्ल्यू से पी। जब आप जाओगे तो यहां पर ये रास्ता बंद कर देगा, इसका मतलब बी तो आपका होगा नहीं। अब एक बार डी चेक कर दो, नहीं तो नन ऑफ दिस। जब आप डी यहां पर रखोगे तो ये वाला साइन यहीं पड़ा रहेगा और यहां पर आप रखोगे इक्वल, तो बी से क्यू आ जाओगे, क्यू से डब्ल्यू आ जाओगे एंड डब्ल्यू से पी इक्वल भी है। तो रास्ता आपका पूरा जो है ओपन गेट कॉन्सेप्ट का है दोस्तों। ओपन गेट कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। आप इक्वलिटी इनइक्वलिटी का जो है शॉर्ट ट्रिक आप अच्छे से पढ़ लें जो मैंने यहां पर पढ़ा रखा है। तो इलेवंथ में जो आंसर होगा वो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर लिखा हुआ है कि पांच विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा जिसमें ये दोनों जो है डेफिनेट राइट है। इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका सीख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने पढ़ना आपको सिखाया था कि पी से ओपन गेट है तो आप इधर से जाएंगे, तो P से Q जाना है और एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर इक्वल नहीं हो।
दोस्तों ये पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप ध्यान से देख लें, पी से क्यू जाना है और एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर इक्वल ना हो, इसका मतलब पी से क्यू रास्ता खुला होना चाहिए। तो दोस्तों पहले में पी से के आ सकते हैं क्योंकि इक्वल रास्ता खुला हुआ है, के से टी भी आ सकते हैं, टी से वाई एंड वाई से क्यू, तो पी से क्यू आ गए। और इसको जब आप पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि x से k जाना है और एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पर इक्वल ना हो x से k। तो दोस्तों x से n आ सकते हैं, n से h, n h से p, n p से k, पूरे के पूरे साइन आगे के मुंह है तो रास्ता खुला हुआ है, तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट भी आ गया जहां पर इक्वल नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो a विकल्प ही होगा दोस्तों। तो ये वाला सवाल भी आपने सॉल्व कर दिया। अब जब ये 12वें का ए विकल्प सही हो गया तो आगे कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखें, जहां पर आपका आंसर आ जाए उसको लगा के जल्दी नेक्स्ट सवाल पे चले जाएं, क्योंकि यदि आपने टाइम वेस्ट किया तो कंपटीशन में आपकी जीत नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही यही है टाइम मैनेजमेंट। आप जितना टाइम बचाएंगे आपके सवाल उतने ज्यादा होंगे और जितने ज्यादा सवाल होंगे उतना ज्यादा आपका चांस होगा दोस्तों सिलेक्शन का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें में यहां पर जो स्टेटमेंट है s ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, v यहां पर इक्वल्स टू o ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड b इज ग्रेटर देन e, इसमें s बड़ा ही होना चाहिए o से। तो दोस्तों s और o में एस आपको एक फिक्स रिजल्ट चाहिए, फिक्स रिजल्ट तो भी आता है जब आपका स्टेटमेंट स्टैंडर्ड होता है। ध्यान रखें स्टेटमेंट स्टैंडर्ड होगा तो ही आपका फिक्स रिजल्ट आएगा। इसका मतलब एस से ओ जाना है क्योंकि साइन आगे की तरफ, तो इधर से ये ओपन है, तो इधर से जब आप जाएंगे एस से ओ तो यहां पर तीन साइन रखोगे तो आपका रास्ता खुल जाएगा। मतलब एस से इधर से भी जा सकते हैं, एस इस रास्ते से भी जा सकता है, एस इधर, यदि इधर इधर मुंह का आ गया तो ये रास्ता बंद कर देगा जो कि ये तो आंसर होगा नहीं। तो जिस विकल्प में ये है पहले उसको उड़ा दें, मतलब आपका सी और डी तो इसमें आंसर नहीं होगा। लेकिन अब देखें एस बड़ा ही होना चाहिए दोस्तों। यदि मैंने यहां पर इक्वल रख दिया तो यहां इक्वल, यहां इक्वल, यहां इक्वल, तो एस बराबर भी हो जाएगा ओ से, तो ये भी गलत हुआ। ये रख दिया तो इसमें भी इक्वल आया तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो साइन आएगा ये वाला, ताकि इन तीनों में से जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो ये लगा पाओ, तो यहां पर कौन सा साइन आएगा दोस्तों, ये वाला। इसका तो 13वें में आपका आंसर ये होना चाहिए, वो किसी विकल्प में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 13वें का आंसर जो है ई विकल्प होगा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैंने पूरा के पूरा टॉपिक बहुत ही बेसिक से समझा रखा है इक्वलिटी इनइक्वलिटी का, आप वहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में यहां पर लिखा हुआ है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, यह फोटोग्राफी का सवाल है तो फिर से यहां पर रोहित लिखेंगे और यहां पर एक फोटो यहां पर दे रखा है तो मैंने यहां पर बना लिया है। यहां पर बोलने वाला रोहित है तो ये स्पीकर है। दोस्तों फोटोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पीकर का, जिसके लिए मैं मेरा मेरी आता है। तो आगे जो पॉइंट है इसमें ध्यान रखें, वह लिखा तो ये चित्र में आया है चित्र के लिए और बोला मेरे, मेरा मेरी आता है रोहित के लिए, तो इसने बोला वह, इसका मतलब चित्र की तरफ इशारा हुआ। फिर बोला मेरे पिता की इकलौती पुत्र है, तो यहां पर रोहित है, इसने बोला मेरे पिता, तो यहां पर ऊपर लिख दिया और इकलौती पुत्री जो है यहां पर आप बनाएंगे जो कि रोहित की बहन ही हुई, तो ये चित्र जो है यहां पर आया दोस्तों। ये चित्र किसका है, इसका मतलब रोहित के पिता की इकलौती पुत्री का है, इसका मतलब रोहित की बहन का है दोस्तों। तो रोहित उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, मतलब रोहित क्या लगता होगा, तो दोस्तों वो लड़की तो रोहित की बहन लगती है, लेकिन रोहित का उस लड़की से रिश्ता पूछा है, इसका मतलब रोहित का रिश्ता उस लड़की से भाई का हुआ है। तो 14वें में जो आंसर होगा वो बी विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है दोस्तों इस पीडीएफ का, जो पीडीएफ में आपको हमेशा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15वां। तो दोस्तों 15 सवाल आपके सामने और यहां पर लिखा हुआ है कि ये दोनों जो है बिल्कुल सही मिलने चाहिए, तो यहां पर एट द रेट एंड परसेंटेज की जगह पर कौन से सिंबल यहां पर ऑप्शन से रखेंगे। तो दोस्तों ई से टी में आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ये फिक्स रिजल्ट तभी आते हैं जब आपके पास में जो स्टेटमेंट होता है स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें सभी सिंबल्स का मुंह या तो आगे की तरफ या सभी सिंबल्स का मुंह पीछे हो, इधर उधर मुंह हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा दोस्तों।
तो यहां पर ई से टी में रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों ई से आई में आगे की तरफ मुंह, इसमें आर में भी आगे की तरफ मुंह, इक्वल्स में डब्ल्यू आगे की तरफ मुंह है और ए में भी है, तो एट द रेट की जगह पर आपको कौन सा साइन रखेंगे कि ये आंसर आएगा। तो यहां पर यदि आप ये रखते हैं तो इस सब में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको लग जाती है, और ये रखते हैं तो भी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, इसका मतलब एट द रेट की जगह पर ये दोनों आते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये तो काम हो जाएगा एट द रेट में, तो एट द रेट में और कुछ इसके अलावा है तो उसको उड़ा दे, तो ये आपका साइड से चला जाएगा, इन दोनों में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। दोस्तों आगे लिखा हुआ है परसेंटेज को सेट करना, एस बड़ा होना चाहिए ए से। दोस्तों यहां पर एस बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब एस से ओपन होना चाहिए, तो एस से ओपन होना चाहिए, तो इधर करेंगे तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे ये रास्ता या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जब आपने देखा तो एस में ये तीनों में से दोनों तो यहां पर सेम है, इसका मतलब अब ये साइन ही डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए। दोस्तों एक बात यहां पर ध्यान रखें कि ये एट द रेट की जगह पे दोनों तो आ सकते थे, यहां पर ऑप्शन से ये वाला साइन ही आएगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ये वाला साइन रख दिया तो एस और ए में ये इधर मुंह हो जाएगा और ये इधर, तो ये सिर्फ एट द रेट के लिए था और ये सिर्फ इसके लिए, लेकिन अब एट द रेट की जगह पर यदि ये वाला साइन रख दिया तो ए और टी में ये, टी और डब्ल्यू में ऐसा आ जाएगा, इसका मतलब ये इधर उधर मुंह का हो जाएगा और ए और एस में एक फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा, हमको फिक्स चाहिए तो इसको उड़ाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर इक्वल हो और यहां पर स्मॉलर देन ऑप्शन से, तो इसका मतलब ए आंसर होगा। तो 15वें में जो आंसर हुआ है वो ए विकल्प हुआ है। दोस्तों आप इक्वलिटी इन इनइक्वलिटी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप उसको ध्यान से देखें, पूरा की पूरा टॉपिक मैंने बेसिक से 100% तक का विथ शॉर्टट्रिक आपको पढ़ा रखा है। दोस्तों उसमें आपको ये पसंद आए होंगे, दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जोड़ दें ताकि उनको भी फायदा हो, आप जिस किसी भी कोचिंग में पढ़ते होंगे सबको बताएं दोस्तों, ताकि यहां पर सभी यहां पर फायदा उठा सकें। दोस्तों आप इस वीडियो को अब लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।